नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए चैनल पे। तो चैनल का नाम आप लोगों को पता ही होगा, यूपीएससी एंड बीपीएससी। तो हम लोग पहले इस चैनल पे एक कोर्स कवर करेंगे। कोर्स मतलब ये कि बीपीएससी के प्रीलिम्स से संबंधित जितने भी जानकारी या जितने भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है सारे ही कवर करेंगे, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि चैनल पे जो है सब्सक्राइब करना है चैनल को, और साथ ही आपको क्या करना है, जो बेल है उस पे क्लिक करना है, ताकि आपको जो फ्यूचर में जो भी मैं लेसन डालूंगा आपको उसके अपडेट मिलते रहे। ठीक, तो आप लोग ये देख सकते हो कि ये जो है बिहार का, ठीक है, बिहार का ये मैप जो कि बहुत ही अच्छा मैप है। तो ये चीज आपको याद रखना है, और इसलिए अच्छा मैप है मैंने क्यों बोला, क्योंकि बिहार का नाम आप लोग को पता होना चाहिए कि बिहार का नाम कैसे हुआ था। ये चीज आपको पता है कि बिहार का नाम कैसे हुआ, आप लोग अशोक के बारे में पढ़े होंगे। ठीक, तो अशोक के बारे में जो पढ़े होंगे तो उसमें बिहारा था। तो बिहारा में कौन रहते थे, जो भिक्षु लोग जो रहते थे, इसीलिए जो इसका नाम क्या पड़ा, बिहार पड़ा। और बिहार के जो ये मैप आप देख रहे हो, तो बिहार के मैप में देखिए सबसे पहले ये जो उत्तर है, यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या है, बिहार का आप कहते हो उत्तर में नेपाल है, और ये जो दक्षिण है, ये वाला दक्षिण वाला जो पार्ट है, ये दक्षिण वाला ये क्या है, यहाँ पे झारखंड है, और पूरा वाले पार्ट में पश्चिम बंगाल है। अब पश्चिम बंगाल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया दोस्तों, बंगाल। और पता है आप लोगों को क्यों चेंज किया गया वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करके, आप लोगों को ये चीज ढूंढना है और मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक, और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों को ये चीज देखना है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि सबसे पहले बिहार के बारे में स्पेशल कुछ देख लेते हैं। तो बिहार के जो राज्यपाल नए राज्यपाल बने हैं, जो सत्यपाल मलिक जो थे उनको हटा करके ये लालजी टंडन जी बने हैं। ठीक है, ये वाले, और हमारे मुख्यमंत्री वही है नीतीश कुमार जी, और उप मुख्यमंत्री कौन है, सुशील कुमार मोदी जी। तो आप लोग को ये तो सभी को पता होगा कि जो नीतीश कुमार है कौन से पार्टी से, जेडीयू से है, और सुशील कुमार मोदी जी कौन से पार्टी से है, बीजेपी पार्टी से है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि बिहार के जो अवस्थिति है या बिहार का जो लोकेशन है वो क्या है। ठीक, ये वाला जो पार्ट है बिहार का लोकेशन वो क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि बिहार का जो लोकेशन है वो क्या है। अगर आप लोग को पता हो तो बिहार जो है लोकेटेड आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, यानी हमारे देश के पूरब में स्थित है, या ऐसे कह सकते हो कि भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में गंगा के निम्न और मध्य बेसिन में 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, और साथ ही 83 डिग्री 30 मिनट, या ऐसे कह सकते हो आप 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, और या ऐसे है ना कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री, ठीक है, 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है बिहार। और बिहार क्या है, एक लैंडलॉक एरिया या एक लैंडलॉक स्टेट। ऐसा क्यों, क्योंकि बिहार के चारों ओर देखिए तो समुद्र नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बिहार का जो बाउंड्री है, मैंने आप लोग को ये चीज बता ही दिया था कि जो नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में नेपाल है, साउथ में झारखंड है, ठीक, ये वाला पोर्शन। उसके साथ ही ईस्ट बंगाल में क्या है, सॉरी, जो आपका पूरब में हमारा पश्चिम बंगाल है, या आप कह सकते हो कि बंगाल है, और जो पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। तो सबसे पहले मैंने लैटिट्यूड आपको बता ही दिया, और उसका लैंगिट्यूड भी बता दिया, ठीक है, ऑल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मैंने आपको बता दिया, अक्षांश भी, देशांतर भी। तो बिहार का अगर हम पूरा देखें तो टोटल एरिया कितना है, बिहार का टोटल एरिया है 94,163 वर्ग किलोमीटर, कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये वाला पोर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बिहार का जो ग्रामीण एरिया है वो कितना है, 92,257.51 वर्ग किलोमीटर, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक, ये चीज आपको याद रखना है। और आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं दोस्तों कि बिहार का जो अर्बन एरिया है कितना है, 1,000, ये वाला पोर्शन, ठीक, 1,095.49 वर्ग किलोमीटर, कितना, ये वाला, ठीक, ये वाला पोर्शन। और उसके साथ ही जो अगर हम हाइट देखें तो सी से हाइट कितना है बिहार का, सी से हाइट है आपका 173 फीट, कितना, 173 फीट। और आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में सी से कहां से नापते हैं, नापते कहां से, सी से बोलते हैं ना कि समुद्र से कितनी ऊंचाई है, तो ये आपको कहां से मापते हैं, अगर आप लोगों को
पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अगर नहीं पता तो मैं अगले वाले लेसन में आप लोग को मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। अगर रेनफॉल देखिए बिहार का तो कितना है, ये 1205 मिलीमीटर, ठीक। या अगर हम सेंटीमीटर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा आप लोग मुझे बताइएगा, 120 के लमसम, ठीक है। और एवरेज नंबर जो है रेनी डे बिहार में कितना होता है, औसत वर्षा, औसत वर्षा जो बिहार में आपका 52.5 दिन, मतलब 53 दिन के लमसम, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक। तो आगे बढ़े और कुछ जानकारी मैं और बता देता हूँ आप लोग का, कि आप लोग को कि उत्तर से दक्षिण जो है बिहार की लंबाई कितनी है, 345 वर्ग किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम 483 वर्ग किलोमीटर, और इस राज्य का कुल क्षेत्रफल बिहार का मैंने बताई दिया 94,163 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार है भारत का 12वां स्थान है, कितना जो 12 बोलते हैं ना 12 स्थान, कितना 12वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बारे में देख लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपोर्टेंट है। तो बिहार में कितने डिवीजन है, बिहार में 9 डिवीजन है दोस्तों, कितने डिवीजन है बिहार में 9 डिवीजन है, और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट 38 है, और लोकसभा की सीट 40 है। बिहार में कितने जिला है, 38, सॉरी बिहार में जिला जो है 38 और लोकसभा की सीटें कितनी है आपका 40। और बिहार में सब डिवीजन कितना है, 101, बिहार में सब डिवीजन कितना है दोस्तों, 101, ठीक है, ये याद रखना है। और आपके ब्लॉक्स कितने हैं, ठीक है, ब्लॉक्स है 534, बिहार में कितने ब्लॉक्स है 534, पंचायती राज कितने हैं या पंचायत कितने हैं 8,406, और नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेज कितने हैं 45,103, और पूरे भारत में जो है नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेज कितने हैं लगभग 6,500 के लमसम, ये चीज आपको 6.5 लाख के लमसम ना कि 1,000 के लमसम, ठीक है। और अभी हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे नितिन गडकरी जी ने कुछ डिटेल निकाला है, अगर आप लोग को पता हो तो वो भी देखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आए, तो अगला है कि कंटिन्यू यही हमारा चल रहा है कि नंबर ऑफ जो है अर्बन एग्लोमेरेशन कितने कितने हैं नगर निगम, अगर हम बात करें नंबर ऑफ अर्बन एग्लोमेरेशन 14 है, कितने 14, और नंबर ऑफ टाउन 199, और उसके बाद जो है संवैधानिक जो संवैधानिक टाउन 139, उसके बाद जो है नन जो है टाउन कितने हैं 60, कितने दोस्तों 60, ठीक है। उसके बाद पुलिस स्टेशन बिहार में कितने हैं 853, और सिविल पुलिस स्टेशन 813, रेलवे पुलिस स्टेशन 40, याद रखना है सिविल पुलिस स्टेशन 813 है और रेलवे पुलिस स्टेशन 40 है, और पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 43, और सिविल पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 39, और रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट 40 आपका 4, ठीक, और जिला तो आपके 38 है, ये चीज आपको याद रहेगा ना, याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगला है आपका कुछ इंपोर्टेंट डाटा 2011 से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और बिहार की जनसंख्या अगर देखें तो कितना है 10,38,04,637, जिसमें से पुरुष कितना है 5,41,85,347, फीमेल कितने हैं आपका 4,96,19,290, ठीक है। अगर आप पॉपुलेशन देखें अगर 0 से 6 वर्गों में, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ है, लिटरेसी रेट भी दिया हुआ है, सब हम लोग एक जब जनसंख्या को लेकर आएंगे तो नया उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग ये सब कुछ कवर करेंगे, मैं आपको सारा बता ही देता हूँ, अभी भी देख ही लेते हैं जो मैंने आपको बताया था, स्थिति मैंने आपको बता दिया था, क्षेत्रफल भी मैंने आपको बताया है, अभी लंबाई भी मैंने बता दिया था, चौड़ाई भी बता दिया था, सीमावर्ती देश कौन सा है बिहार का एक ही देश है नेपाल, सीमावर्ती राज्य मैंने बता दिया था पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश झारखंड का बिहार से लगवा था 2000 में, जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या कितना है 10,40,99,452 देश में तीसरा स्थान, और अगर हम देखें तो जनसंख्या घनत्व 1106 और भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जो है बिहार में रहते हैं, और देश में यह प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व में, सबसे कम किसका है अरुणाचल प्रदेश का। आगे है जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितना हुआ बिहार में 2011 के जनसंख्या के हिसाब से 25.40%, साक्षरता दर कितना है बिहार का 61.8%, जिसमें से पुरुष का है 71.2% और महिलाओं का है 51.5%, लिंगानुपात कितना बिहार का 918, और प्रमंडलों की संख्या कितनी है 9, जिलों की संख्या 38, अनुमंडलों की संख्या 102, लोकसभा सदस्य 40, विधानसभा कितने हैं 243, विधान परिषद कितने हैं 75। आप लोग को एक चीज पता है ना कि विधान परिषद की जो अधिकतम जनसंख्या कितनी हो सकती है, जो विधानसभा का है उसका 1/3, ये चीज आपको ध्यान रखना है।
अगला है शासन पद्धति कैसे है बिहार में, तो संसदीय शासन प्रणाली है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है दोस्तों, और अगला जो लेसन होगा हम लोग यहाँ से कवर करेंगे जनसंख्या से और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट से। ठीक है, तो चलिए वैसे आगे बढ़ ही लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो बिहार का देख लीजिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ठीक है, राजभाषा क्या है बिहार का, हिंदी है, दूसरी राजभाषा उर्दू। राजकीय पशु क्या है, बैल। राजकीय पक्षी क्या है, गोरैया, आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो। राजकीय पक्षी सॉरी मछली क्या है, मांगुर, ये वाला। ठीक है, उसके बाद राजकीय फूल गेंदा। उसके बाद राजकीय वृक्ष पेपल, पीपल। वनों के प्रकार कैसे बिहार में, तो जो है पर्णपाती किस्म के वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, तो ये सब सारा डिटेल हम लोग जनसंख्या वाले लेसन में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो फिर कुछ लेसन लेके आऊंगा कि बिहार में प्रथम क्या है। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में आप लोगों के साथ। तो प्लीज आप लोग लेसन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। मटेरियल चाहिए तो आप लोग मेरे ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हो, जो कि फेसबुक पे है, यूपीएससी एंड बीपीएससी। ठीक है, तो मैं आपको होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं वहाँ पे ये जो है मटेरियल भी उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद और मिलते हैं। प्लीज दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है लेसन, कहाँ क्या सुधार करना है। ठीक है, तो मिलते हैं वहीं पे अगले लेसन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।